और एक बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से है, जहां नहीं थम रहा है बाघ का आतंक। आज फिर से एक युवक को बाघ ने अपना निशाना बनाया। यह बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा है। खेत पर गन्ने की पत्ती तोड़ने के लिए युवक गया हुआ था, तभी अचानक बाघ ने हमला कर दिया। घायल युवक ग्राम भैदेया का बताया जा रहा है। आज सुबह लगभग 10 बजे की यह घटना है। इस पूरी घटना से ग्रामीणों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, महेशपुर रेंज के महेशपुर बीट के गांव लंदनपुर के मजरा भदैया में कल के बाद आज एक बार फिर से बाघ ने खेत पर गन्ने की पत्ती तोड़ने गए युवक सेरा, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, पुत्र रोहन को अपना शिकार बना लिया। हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होने के चलते गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया उसे, और सूचना के बाद मौके पर कोई वनकर्मी नहीं पहुंचा। यह ताजुब की बात थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और घटनाओं का संज्ञान शायद गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस वजह से आए दिन लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। दहशत में जीने के लिए लोग मजबूर हैं। कल पन्नापुर में विपिन पर बाघ ने हमला किया था और आज एक बार फिर से बाघ ने हमला कर दिया। वन विभाग की घोर लापरवाही के चलते बराबर लोग बाघ का शिकार हो रहे हैं, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी से बाघ का आतंक बदस्तूर जारी है।